इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद के NH 24 पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है किस तरह का जाम लगा हुआ है। किसानों द्वारा जो जाम किया गया था, किसानों ने जो 3 तारीख उनकी डिमांड थी कि आज हमारी शर्तें मानी जाएंगी, नहीं तो मैं जो है जगह जगह पे जाम करूंगा। आप देख सकते हैं पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। आइए हम बात करते हैं पब्लिक से कि कितना परेशानियों का जो है उठानी पड़ रही है उनको, कहाँ से दिल्ली जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। आइए मैं बात करते हैं इनसे। जी भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं नोएडा से आ रहा हूँ, मुझे दिल्ली जाना था। जी दिल्ली जाना था, हाँ। तो आप किधर से होके जाएंगे? अब ये कह रहे हैं कि उधर DND से जाओ या अड्डा सेक्टर 18 से जाओ। जी जी, पूरा नोएडा क्रॉस करना पड़ जाएगा मेरे को। बहुत ज्यादा परेशान है। जी आइए मैं बात करते हैं। सर मुझे, मेरा नाम राजू है सर, मुझे दिल्ली, मुझे गाजियाबाद से अब दिल्ली जाना है। अब पूरा रूट बंद कर रखा है, अब बताएं हम कैसे जाएं? और हमें कह रहे हैं यहाँ से घूम के जाइए नोएडा 62 से लेके जाइए, इतना लंबा पड़ेगा, हम रात को कितने बजे घर पहुँचेंगे? देख रहे हैं आप जो है पब्लिक कितना परेशान हो रही है, पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो है यहाँ पे किसानों द्वारा किया जा रहा है जो चक्का जाम जगह जगह पे, अगर ये नहीं यहाँ पे होता, प्रशासन यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के साथ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि देखिए। आइए मैं बात कराते हैं आपसे। अरे नहीं सर, प्लीज पैर पड़ रहा हूँ, लाल कुएं से आ रहा हूँ भैया। किधर जाएंगे आप? हम गाजीपुर जाएंगे, बगल में है। क्या दिक्कत सामने उठा? जाम देख रहे हो यार, ये तो मुंह में उंगली तुम भी डाल रहे हो, एक तो ऐसे मर रहे हो। जो जेन्युइन है उसके लिए लड़ो ना। देख सकते हैं आप, अभी जो मैंने बात कराई है आपको, कई लोगों से बात कराई है आपको कि पब्लिक ही हर जगह जो है पब्लिक पिस रही है, पब्लिक परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है पब्लिक को। पब्लिक सर यहाँ दिक्कत हो रही है पब्लिक को। और सुबह जो है मैंने कवरेज यहीं से किया था कि सुबह से जो है जाम लगा हुआ है, ये NH 24 सुबह से ही, NH 24 सुबह से ही घिरा हुआ है हर तरीके से। यही पब्लिक परेशान हो रही है, आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कड़ी सुरक्षा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना भयंकर रूप से जाम लगा है। आप दिखाओ, आप कैमरामैन से कहूँगा कि आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेगा कि किस तरह से यहाँ जाम लगा हुआ है, आप कितना परेशानियों का जो है उठानी पड़ रही है। आइए हम बात करते हैं। जी जी आइए मैं बात कराते हैं आप और लोगों से, यही बात करते हैं कि किस तरह से जो है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस किस जो है तरह का आपको दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। जी 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 आइए मैं और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे जो है कितना जाम लगा हुआ है, जाम कड़ी जाम से लोग परेशान है, पब्लिक भाई बहुत परेशान है यार, खामो खा की। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं भाई आपड़ से आने लग रहा हूँ। कहाँ जाना है आपको? गाजीपुर। गाजीपुर बहुत ज्यादा देख रहे, गाजीपुर जाने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जो भी जो दिल्ली जा रहे हैं, हापुड़ से गाजियाबाद से आ रहे हैं लोग दिल्ली जा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर देखिए, ये जो है गाजीपुर जाना चाहते हैं यहाँ से। किसान सभा से किसान सभा से। जी जी, तो आपको तो आधे से निकलने के लिए, किसान वाले को तो आधे से यहाँ से जाने के लिए, किसानों के लिए यहाँ से। आइए हमें और लोगों से भी बात करते हैं, कितना परेशान है लोग। आइए कहाँ जा रहे हैं आप? आनंद विहार जा रहे हैं। और तो इधर से ऑटो वगैरह भी नहीं मिला, कैसे जाएंगे आप? पता नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं है। देख रहे हैं कि मैंने आपको दिखाया है कि पब्लिक कितना परेशान है, पब्लिक को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कई लोगों से बात कर चुका हूँ आपको, किस तरह से लोग परेशान हैं यहाँ पे जाम के कारण। सुबह से जो है ये NH 24 सुबह से ही जाम है, मैंने आपको पहले भी अपडेट कराया इस चीज को कि जो है सुबह से जाम लगा हुआ है। सुबह से आपको दिखा रहे हैं, मैं लगातार दिखा रहे हैं कि पब्लिक आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जी देखिए किस तरह से पब्लिक परेशान है। मैम आप कहाँ जाएंगे? मोहन नगर जाएंगे, इधर से तो रोड बंद है, आप कहाँ से जाएंगे, किधर से जाएंगे? देखिए मैम कितना परेशान है, आप यही नहीं पता है कि किधर जाना है, चारों तरफ से जाम लगा हुआ है, चारों तरफ से चक्का जाम है, किसी को यही नहीं पता लग रहा है कि हमको जाना किधर है। और देखिए पब्लिक कितना परेशान हो रही है, आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गाड़ियों की एंट्री नहीं हो पा रही है। गाजियाबाद से इमरान खान, खबर तहकीकात। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।